अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चुनचुनी। ये चर्बी है जो मैंने कट कर दी है, बड़ी चर्बी थी, इसको मैंने पीसेस में कट कर दिया है, देखिए, और धो दिया है अच्छे से दो पानी से। इसको मैंने धो दिया है दो पानी से और पानी निकाल दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बस बहुत थोड़ा सा डालना, क्योंकि नमक इसमें ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बहुत थोड़ा नमक डालकर मिक्स कर देना है और स्लो फ्लेम पे रखना है, एकदम स्लो फ्लेम पे रखना है इसको। देखिए, पहले तो इसमें पानी छूट रहा था, अब पानी सूख गया है। अब बस इसमें पानी सूखने के बाद रह गया है इसमें इसी का घी। अब ये इसी घी में हम इस चर्बी को फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम कर दिया, बिल्कुल स्लो फ्लेम। इसके गोल्डन होने तक हम इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करते जाएंगे, जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता, क्रिस्प नहीं हो जाता। देखिए, हम इसको देखते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते जाना है, इसको फ्राई करते जाना है गोल्डन होने तक। थोड़े थोड़े हो चुके हैं, जब ये पूरे फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्प हो जाएंगे, तब हम इनको निकाल लेंगे और इसका जो ये तेल बचेगा, जो घी बन जाएगा ठंडा होकर, उसको हम एक कंटेनर में निकाल सकते हैं और बाद में सालन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मैं इसको अभी फ्राई करते जा रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे फ्राई जल्दी हो जाएगा। फ्लेम मैंने वापस से स्लो कर दिया है, अभी बिल्कुल रेडी है। मैं इस घी को अभी निकाल रही हूँ। देखिए, ये बाकी का रह गया है घी जो अभी लिक्विड है। इसको आप अगर स्टील के बर्तन में निकालो, स्टील के डब्बे में, तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टील के बर्तन में अभी निकाल के रख देना है, जब ये लिक्विड होता है बाद में जम जाता है। और इसी घी को आप कीमे में, गोश्त के सालन में या भुना गोश्त में यूज़ कर सकते हो। चुनचुनी रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।